प्रज्ञा, मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रज्ञा को आगे बढ़ाने से पहले पाकिस्तान की कुछ मुख्तसर तारीख मैं आपको बताता चलूं। कहा जाता है कि कोई भी मुल्क आने वाले दिनों में किस तरीके से तरक्की करेगा, उसका मयार क्या होगा, उसकी उड़ान क्या होगी, उसके कुछ माजी के सालों से पता चल जाता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं करते, 2013 से जरा मामला का जायजा लेते हैं। 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अवामी कुत बन के उभरी। इस अवामी कुत ने न सिर्फ आम लोगों की हिमायत हासिल की बल्कि बड़ी तादाद में वोट भी हासिल किए। लेकिन ये जो मामला था ये यहाँ ठहरता नहीं, यहाँ थमता नहीं। इसके बाद जो सूरत हाल तब्दील हुई, 2013 के इंतखाबात हुए, जिसके बाद एक तवील धरना देखा गया, 125 दिनों का ये जो तवील धरना था। इसके बाद से सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई, शायद कभी ना संभली। ये उम्मीद की जाती रही कि शायद कभी ना कभी ये मामला तय होंगे, लेकिन जब ये सूरत हाल संभली तो इस सूरत हाल को संभलते संभलते हमारे बड़े सारे बच्चे शहीद हो गए। जी हाँ, मैं APS पेशावर का तस्करा कर रहा हूँ। इस सूरत हाल ने जब संभलना चाहा तो APS का सानिया हुआ, इसने हमारे बहुत से प्यारे बच्चों की हमसे दूर कर दिए। लेकिन जब ये मामला यहाँ भी ना ठहरा, इसके बाद भी जो कशीदा सूरत हाल थी, हमने देखा पनामा हुआ, इसके बाद इकामा हुआ, फिर 2018 के इंतखाबी अमल के पर हमने आगे बढ़ा दिए कदम, और 2018 के इंतखाबात के बाद भी ये जो सूरत हाल थी, कभी कोविड की वजह से तो कभी दीगर मामला की वजह से खबरों की जीनत बनती रही। अब जब सूरत हाल आगे की तरफ बढ़ने लगी, कुछ उम्मीद थी कि शायद अब बेहतरी की सूरत हाल हो सकती है या पाकिस्तान कोई नई सिमत हासिल कर सकता है, तो फिर एक बार रेजिम चेंज की आवाजें आने लगी। रेजिम चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये बारे में, इस बारे में कुछ भी कहना इस वक्त कबल वक्त होगा। लेकिन अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है वो अवाम में मकबूल होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ये बात भी कहते चले कि अब जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, ये एक नया रुख ले रही है। पंजाब में वजीर आला के इंतखाब से लेके आज जो फंडिंग या मुबैना तौर पे ममनुआ फंडिंग का जो केस है, इसका फैसला सुना दिया गया। इसके हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये जो मुख्तसर तारीख है, शायद ये तारीख बता रही है कि शायद आने वाले दिनों में, आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान इन मुश्किलात से बाहर होता हुआ नजर नहीं आता। नातिक साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये जो नक्शा खींचा पिछले 8-10 सालों का, कहते हैं कि किसी मुल्क आगे के 2-4 साल 5 साल का आपको अंदाजा लगाना हो तो पिछले 5 सालों का अंदाजा लगा ले। सर, हमारी सिचुएशन तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रही। देखिए जी, हमारी सिचुएशन 1947 से लेकर आज तक ऐसी ही रोलर कोस्टर है। एग्रीड, ठीक है। हम 75वीं अपनी यौम आजादी इस वक्त मना रहे हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे भी मुल्क हैं जो अपने 100 साल पूरे कर चुके हैं और वो भी अभी इसी रोलर कोस्टर का जो है वो हिस्सा है। हमें 5 साल अपने मुल्क की तारीख से ज्यादा देखने से ज्यादा हमें ये देखना होगा कि जियो पोलिटिकल इशूज क्या चल रहे हैं, ठीक है। जियो पोलिटिकली दुनिया में हो क्या रहा है, बिल्कुल सही। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट, और उस उन कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ वो जो जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट था वो जो है वो शामिल नहीं थे, बल्कि वो मुल्क भी शामिल हो गए जो उसके इर्द गिर्द थे। अब रशियन यूक्रेन क्राइसिस, फिर आपका कोविड का आना, तो पाकिस्तान के 5 साल जो है जिस तरह भी हमने गुजारे हैं, मैं अपनी बात को रिवैम करता हूँ। हम 1999 में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन में थे, 71 की वॉर के बाद भी कुछ हम इसी तरह की सिचुएशन में, और हमने उसको अपने आप कवर किया। और हम इस तरह की सिचुएशन रहेगी कब तक, ये तो सवाल रहेगा ना। देखिए, हम ये बात कह रहे हैं आज इसी सिचुएशन में, आज से कुछ सालों बाद जो नई नस्ल होगी जब इन जगहों पे बैठेगी, वो भी कहेगी कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए क्या छोड़ा, यही सूरत हाल तब भी थी, वही सूरत हाल आज भी। तो वी आर डूइंग नथिंग न्यू, वी आर डूइंग समथिंग न्यू। अब जो आपने अभी नक्शा खींचा, जिसमें आपने बताया कि जी आवाम को पसंद आया, खैर कहने का मकसद ये है कि लोगों में जो शऊर पैदा हो रहा है, शऊर आ रहा है, और हमारी नौजवान नस्ल जिस तरफ जा रही है, तो देर इज़ अ चांस कि हम अपने आप को इस पैराफ्रेज से निकाल के किसी अच्छी जगह पे ले आएँ और अपने इन तमाम चीज़ों को जो है वो कवर अप कर लें, और जो कि हम हो जाएगा इंशाल्लाह। हम सही सिम में जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन इज राइट, डायरेक्शन विल बी राइट, will be right. Yes, step by step things happens, और हम जिस step के ऊपर हैं और जो political situation चल रही है। साहब मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी मायने का मुस्कुराहट है। situation overall आप बात कर लीजिए। जी जी जी। तो हम situation पे सही system पे सही situation पे पहुंच जाएंगे। हमारे इदारे, हमारे जितने भी stakeholders कौन से इदारे जिनके बारे में हमारे सियासतदान सुबह शाम तनकीद करते हैं, वो इदारे? Yes, वो इदारे जिनके ऊपर आज हमारी सियासी अशराफिया का ट्रस्ट नहीं है, वो इदारे? देखिए, ये सियासी अशराफिया का ट्रस्ट किस पे है, किस पे नहीं है, बात ये है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज डिस्कस की, वो उस इदारे की तरफ या किसी भी इदारे की तरफ एक आंसर है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है।
तो हम जिस सिंध जा रहे हैं इंशाल्लाह हम इस चीज से निकल आएंगे और हम इस चीज को कवर अप कर लेंगे। रियली वी ऑल्सो होप के निकल आए, लेकिन जल्द निकल आए। ताखीर हुई तो भाई से ताखीर भी होगा, ये डिपेंड करता है, ये डिबेटेबल बात है। सर कमिंग टुवर्ड्स यू सर, सवाल आपकी तरफ भी यही है ना, हम एक रोलर कोस्टर राइड से निकल नहीं पा रहे, कोई तो वजह होगी कि एक केस दूसरा केस फॉलोड बाय तीसरा केस, अवाम को किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया, अवाम तो कभी इधर देखती तो कभी उधर देखती, किस तरफ देखें? बहुत शुक्रिया। अच्छा इसमें देखिए, शॉर्ट टर्म में बात करेंगे तो एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं मैं आई एम नॉट डिनाइंग यू, ठीक है वैसा ही है, और अगर लॉन्ग टर्म में भी अगर हम बात करेंगे तो 70-75 ईयर्स की जब से जिससे हमारी जो एग्जिस्टेंस हुई है, नातिक साहब ने बताने की कोशिश की है, तो मैं इसको इसी तरीके से देखता हूँ। मैं कवर्निंग की जो हकीकत है उसको हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारी वेरिएबिलिटी जो होती है ना, वेरिएबिलिटी, हम 0 से 400, 400 से -400, वी आर स्विंगिंग लाइक दैट। और उस स्विंग करने में ना देखें बहुत सारे उसके उसके रीजंस हैं। रीजंस ये है कि पहले तो प्रॉब्लम हो ना, आजकल हमारे यहाँ मसला ये कि भाई ये टिकटॉक की, सोशल मीडिया की और व्हाट्सएप की अब जो ये एज आ गई है ना, तो ये इनकी जो है ना 2 मिनट से ज्यादा का जो है ना ये मीडिया और स्टेमिना नहीं है, स्टेमिना नहीं है, और एक क्लिप जो है ना मीम से ज्यादा को ना देखने को ये पड़ता है। अब अगर आप ये एक मीम को देख के और 2 मिनट के क्लिप से अगर आपने समझना है कि कौमों की तकदीरें बदलती हैं, तो फिर मेरे यहाँ बैठने का और हमारी बात करने का फायदा नहीं है। बट बिसाइड्स द पॉइंट, अगर ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ थिंकिंग नोट, तो उसमें यह है कि जो हमारी जो खित्ते में जो जोग्राफियाई सूरत हाल के साथ जहां हम बैठे हुए हैं इस लोकेशन में, देखिए अफगानिस्तान में अगर पहली जंग चली थी रशिया की और जो सोवियत यूनियन आया था उसकी डिसमेंबरमेंट हो गई थी, वो एक वहां से अमेरिका आया था, दो सुपर पावर्स थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी जंग लड़ी गई थी, प्रॉक्सीज खेले गए थे। मैं पहली बात कर रहा हूँ, चार्ली विल्सन, आजकल की कौम को पता लगे, यूथ को भी, एक चार्ली विल्सन वॉर थी। चार्ली विल्सन क्योंकि उसमें चार्ली विल्सन जो था ना अमेरिकन का कांग्रेस सेनेट था जिसने बुक भी लिखी थी, तो वो इतनी बड़ी वॉर में एक वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। लॉन्ग शॉट वो मेरे नेबरहुड में हुई थी, क्या मैंने करवाई थी या पाकिस्तानियों ने करवाई थी या हम उसमें वो थे, वी वर अ प्रॉक्सी, वी वर इन्वॉल्व, हम जाते या ना जाते हमारे पास वी हैड नो चॉइस, इट वाज बीइंग फॉट दैट वे। एक हो गया, फिर वो दोबारा 10 साल 17 साल के लिए जो है ना 9/11 का जो वहां पे सिस्टम होता है और उसके बाद वॉर दोबारा आपके पड़ोस में आती है, देन अगेन यू आर फोर्स्ड। ये दो इंसिडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये 30 ईयर्स तकरीबन आपकी जो ना 3 डेकेड्स खा गए, और इन 3 डेकेड्स के खाने के बाद इसकी ऑफशूट्स हैं, इसके ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट्स हैं, जो आपकी इनस्टेबिलिटीज है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज हैं, आपकी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटीज हैं, आपकी जो मिलिट्री जो डिफेंस से रिलेटेड आपकी इनस्टेबिलिटीज हैं इस वक्त सिचुएशन में, और अभी जो सेक्टेरियन डिवाइड्स हैं, एथनिक डिवाइड्स हैं, अभी तो वहां से उसकी अलकायदा के आज आप ज़ग़ैरी को अपने मारने की तो हम बात कह रहे हैं, उसको तुमने खत्म कर दिया, ISIS और दाइश के एलिमेंट्स वहां से निकल रहे हैं, TTP जो क्रिएट हो गई थी वो वहां नहीं। तो लॉन्ग शॉट ये पाकिस्तान की मैं ये प्रॉब्लम्स है। अब उस प्रॉब्लम्स के साथ अगर आपकी प्रॉब्लम्स आज की तो नहीं रिजवान साहब, मैं आपको 30 ये आपने 30 साल का खाका खींचिए, 50 साल की दास्तान सुना दी सर, लेकिन कब निकलेंगे इससे बारी भी तो सवाल है ना। वो निकलने भाई मैं आ रहा हूं ना कि ये निकलने पे भी अगर ये पावर प्लग इन प्ले होता, मैं आपसे कहता ना कि ऐसे किया और ऐसे निकल गया, टच एंड पोर होता, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। आपके ज्योग्राफी में, आपकी नेशन में, अब मैं निकलने ही की बात पे कह रहा हूं, उसके बावजूद जो आपकी रेलेवेंस है, आपका इंपैक्ट है आपके खित्ते में, आपको जाना, आपके बगैर कुछ हो नहीं सकता। चले मैं एक मिसाल देकर स्पेंड कर देता हूं ताकि आप तसल्ली में आए, फिर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जिट हुआ भी पिछले साल अफगानिस्तान से, 17 साल की जंग लड़ने के बाद, 3 ट्रिलियन खर्च करने के बाद, 20,000 अपने पता नहीं लोग मरवाने के बाद, और आज वहां पे रिचर्ड निक्सन को 73 में जब वियतनाम की एग्जिट हुई इतने पड़े, इतना बाइडन को वहां पर इस दफा जलील होना पड़ा। ठीक है मीडिया पे आई एम सॉरी आई एम यूजिंग बिलो द बेल्ट वर्ल्ड, पाकिस्तान वॉज नॉट इन पार्ट ऑफ द उन नेगोशिएशंस पे, इंडिया वॉज सपोज टू गेट इट डन। आज हम बात करते हैं इंडिया की, वहां पे वो जो सेकंड सीनियर बनी हुई है, IMF की सेट बनी हुई है, तो इंडिया यहां भी पेनिट्रेट कर गया था, बट दे कुड नॉट सक्सीड एट द एंड ऑफ द डे। वो दोहा कतर टॉक्स कराने के लिए तालिबान को खलील जामदे के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ टेबल पे बैठाने के लिए, इट वॉज द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री, ISI, हमारे लोकल, हमारे एसेट, देन वी गॉट टू गेट इन टू इट। पॉइंट ये सीपेक चाइना की अगर हम बात हो रही है, चलो इसको रिलेट कर लेते हैं ना, आज के दौर में इस वक्त वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में ये हो रहा है कि इस वक्त रशिया यूक्रेन सबको पता है कोविड के बाद, और उसे पूरी दुनिया की तबाही लगा दी है। ठीक है, एक जो आपका इकोनॉमिक और कम्युनिटी का जो इन्फ्लेशन का जो मीडिया, मैंने सुना है कि आपका चैनल जो है ना बिजनेस कम्युनिटी को पसंद किया जाता है, थोड़ी इकोनॉमी की बात करें तो पूरी दुनिया का जो ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लेशन इस वक्त जो आया हुआ है वो रशिया यूक्रेन ने एक तो उसकी तबाही मचाई है, मजीद इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी लॉकर। मूविंग फॉरवर्ड अभी ताजा एक और गेम शुरू होने लगी, उसके साथ चाइना, रशिया के साथ जुड़ा हुआ था चाइना, अब चाइना को जाके अमेरिका जो है ना पिंग कर रहा है, और ताइवान के तरह उसको भी जाके एड कर रहा है। ये दो इतने बड़े वाकयात हैं, और ये दो बड़े वाकयात यहां एंड नहीं होते। आप पिछले दिनों देखेंगे तो पिछले दिनों जो बाइडन जो है वो MBS के पास सऊदीया में आके बैठ के स्टे करके अपनी बेइज्जती करा के वापस चला गया, उसको पिटता रहा,
कि यार वो कहते हैं ना रिश्ता मांगने के लिए किसी के पास दी के पास चले जाकर कुड़ी दे दो, तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं देनी। यानी कि ये इमेजिन करें कि सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो 5 दिन तक सऊदी अरब में बैठा हुआ है और उनके जीसीसी के इजलास करवा रहा है, कह रहा है यार तेल थोड़ा सा बढ़ा दो। इट्स गोइंग टू बी गेटिंग वर्स अगेन। देखिए गेटिंग वर्स ट्राई अंडरस्टैंड द पॉइंट इज इट्स नॉट पाकिस्तान, वी आर नॉट इन आइसोलेशन। इट्स अ कंप्लीट द होल वर्ल्ड का, अगर मैं क्राइसिस इंडेक्स उठाऊं वर्ल्ड का क्राइसिस इंडेक्स सिंस कोविड, वो डिप्लीटिंग है, वो डेप्रिशिएट है। चले मैं आसान लफ्जों में एक और बात, चले मैं आसान लफ्जों में एक बात मैं भी कह देता हूं, इस वक्त पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन नंबर है इज अमंग द हाईएस्ट अमंग ऑल दीस कंट्रीज। पार्डन, पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन, तो आपका भी बहुत ये 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 सर, बट वी आर द मोस्ट अफेक्टेड पर्सन सर, और आज हमारे घर से 4 घर दूर है, लेकिन जितना अफेक्ट हम हो रहे हैं शायद दुनिया में और कोई नहीं हो रहा। असल में ये टेम्परेरी है, ये जो भी है ना ये सारा आपका पॉलिटिकल सिस्टम है इवॉल्व हो रहा है, वो नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो एज पर द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तौर पे चले दिया था, बंद कर दें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दें, आप लाए रूलिंग लाए बंद कर दें, कोई पार्टी नो कॉन्स्टिट्यूशन को नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चलाएगी नहीं, खत्म। ये सना का कोई जो आगे आ गया 5 साल लगा के जाएगा, 5 साल नहीं बल्कि 10-15-20-25 साल। जिनजी पिंग को लाइफ टाइम आपने कर दिया, ब्यूटन 20 साल से बैठा हुआ है, एमबीएस ने जो आगे क्राउन प्रिंस होना है ये तो डिक्लेयर कर दे, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी भी रखनी है। तो आप ब्रिटिश में जाकर देखिए, इंग्लैंड में तो हर तकरीबन 4 महीने 6 महीने साल के बाद वहां पे फिगर हेड चेंज हो रही होती है। तो क्वाइट लाइक वाइज ये जब हमारी फिगर चेंज हुई है, तो जिस चेंज होने के बाद जो दूसरे साहब थे, मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, जो भी जो पार्टी एग्रीव्ड है उस पार्टी ने दोबारा मेन स्ट्रीम में आना है ना, वो 6-8 महीने 10 महीने वेट कर लेते। इलेक्शन कब होने थे? 2022 में नहीं होते, 2023 में हो जाने थे। अगर आप नो कॉन्फिडेंस मूव को कह रहे हैं कि जी वो फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इधर से ये आ रही, तो कहने का मकसद ये है कि ये कुछ चीजें इंडिजिनस हैं, कुछ फ्यूरियस हैं, कुछ प्लांटेड हैं, कुछ सपोर्टेड हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, कुछ लोकल हैं, कोई इंडिजिनस हैं, कोई एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव है, कुछ लोगों के अंदर पकी हुई ये चीजें, ऊपर से जो सोशल, ये मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ, एक वर्ड के ऊपर रिसर्च होने की जरूरत है। ये मेरे बाद आएंगे आपको यूके बशर के साथ, माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, मैं इनको इनका सहारा लेके बात कर रहा हूं कि ये जो सोशल मीडिया बेस्ड जो रेवोल्यूशन है ये पिछले लास्ट 10 ईयर्स में ये वो गिमिक है। मैं इसको बहुत आसान लफ्जों में कह रहा हूं कि एक मार्केट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान सर, दिस हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड, इट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड इट इज अनसस्टेनेबल। और ये आता है, ये अपना इंपैक्ट करके टिड्डी दल के स्वाम की तरीके से खेत फसल उजाड़ के एंड इट वेंट ऑफ। ये सबसे पहले अकुपा वॉल स्ट्रीट के अंदर न्यूयॉर्क में हुआ है सर 2010 में, आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें। हांगकांग में 2 दफा हो चुका है, यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन आ चुका है, अरब स्प्रिंग आ चुका है। कल मैं अरब स्प्रिंग की बीबीसी की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ऑल अक्रॉस 15 मुल्कों के अंदर ये सारा ये रेवोल्यूशन चला था, ये ट्विटर बेस्ड और ट्विटर हैंडल के तहत के। आज वो लोग रो रहे हैं, वहां पर कुछ नहीं उनको मिल सका, कोई चेंज, कोई तब्दीली, द काइंड ऑफ अ तब्दीली दैट दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू वो नहीं आई है वहां पे। डिजिटल पे कंटेंट रन करने के लिए वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया, आई वुड रश माय केस ओवर हियर, वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया, ये जरा वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड सर, ये पता नहीं है ना लोगों को, आज 8 बजे जाए, आई विश के बिजनेस कम्युनिटी ढूंढे वहां से पूछे मेरा एड्रेस है, फिर उसके फर्दर हम इस पे प्रोग्राम करेंगे। वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया इज अ प्लान्ड ग्लोबल एक्टिविटी इन 2019 बिल्डरबर्ग एक ग्रुप के नाम पे, एक जगह है जहां पे ये ऑलमोस्ट एनुअल बेसिस पे मिलते हैं, और ग्लोबल थिंक टैंक द वर्ल्ड के जो रिचेस्ट एंड एलिटिस्ट, जिसमें पॉलिटिशियंस भी होते हैं, जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी होती है, जिसमें प्राइवेट कॉर्पोरेट के भी सीईओज होते हैं, फॉर्च्यून 500 के लोग भी आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, थिंक टैंक्स भी आते हैं, नोम चोस, एवरीबडी गोज देयर एंड दे आर इनवाइटेड एंड इट हैपेंस इन बिल्डरबर्ग। उसके एजेंडा पॉइंट होते हैं, 2019 आखिरी हुई थी कोविड से पहले, उसका देखिएगा उसका नवा एजेंडा पॉइंट क्या है, द सोशल वेपनाइजेशन ऑफ द सोशल मीडिया। ठीक है, मैं आपके रिजवान साहब, लेकिन हामिद साहब कमिंग टुवर्ड्स यू, के जो इस वक्त गुफ्तगु हो रही है, ये बात तो है कि इस वक्त ग्लोबली बहुत कुछ हो रहा है और आने वाले दिनों में ये जो सूरत हाल है कुछ ज्यादा बेहतर भी नजर नहीं आती, बट व्हाट्स द वे आउट फॉर पाकिस्तान? क्या हम इस वक्त जो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का शिकार है वैसे ही आगे बढ़ेंगे, या कहीं ना कहीं कुछ स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है आपको? जी मुनीर, मैं ये कहूंगा कि जिस तरह नातिक साहब ने कहा और गनत साहब कह रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की हिस्ट्री तो इसी तरह है, एक रोलर कोस्टर की तरह है, और इससे भी इनकार नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको आप हमारी गुड लक कह लें या बैड लक कह लें, कि जियोग्राफिकली हम जहां पर हैं उसके अंदर सारी दुनिया की जो हाइब्रिड वॉर्स हैं उसका वो सेंटर बन गया, वन वे और दी अदर, वेदर इट वॉज गोल्ड वॉर, वेदर इट वॉज पोस्ट 9/11 सिचुएशन, और वेदर इट इज नाउ साइनो यूएस और जो कुछ हो रहा है क्वाड की शक्ल में या दूसरी शक्ल में, हर जगह पाकिस्तान की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ने पाकिस्तान को जहां बहुत सारा फायदा दिया या देना चाहिए था, वहां सबसे ज्यादा हमें नुकसान ये पहुंचाया कि हम
जो अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो नहीं कर सके, हम अपनी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डेवलप नहीं कर सके। सर सॉरी टू कट यू, लेकिन नुकसान क्यों पहुंचा? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज अल्लाह ने हमें नवाजे, हमने उसका यूटिलाइज नहीं किया, हमने उसके साथ जो जो जुल्म किया उसका हमें बैकलैश हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके अंदर मैं सबसे ज्यादा आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसको भी बहुत ज्यादा ब्लेम करता हूँ, जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को सस्टेन ही नहीं होने दिया आपस के अंदर। चाहे हम उसकी 70s की पॉलिटिक्स की मिसाल ले लें, 80s की ले लें, या आज फिर ले लें 2014 के बाद से ऑनवर्ड जो कुछ हो रहा है। मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान के अंदर The only hope is, there is only one hope, and that will work, inshallah. And that is institutionalized, जो disciplinary institutions है ना, उसी को आपने political parties को भी institutions की तरह handle करना है. Political parties should not be a private limited companies for anybody. सर ये family limited companies, private तो फिर better होती हैं। मैं यही कह रहा, ये लिमिटेड कंपनीज बन जाती हैं, इसकी वजह से उनके ऊपर जिस तरह का कंट्रोल होता है वो सारा क्वेश्चन होता है। इसी तरह इंटरफेरेंस फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम एनीवेयर, इट इज अनएक्सेप्टेबल। बुनियादी तौर पर सिस्टम कोई गलत नहीं होता, उसको जब रन सही तरीके से नहीं किया जाता है तो फिर वो फेलियर की तरफ चला जाता है। हर सिस्टम के अंदर सेफ्टी वॉल्व्स होते हैं, हर सिस्टम के अंदर विसल ब्लोअर्स होते हैं, हर सिस्टम के अंदर चेक्स होते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ना तो चेक्स के ऊपर कोई रेडी है, ना विसल ब्लोअर को कोई समझना चाह रहा है, ना ही कोई सेफ्टी वॉल्व के कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहा है। मैं तो कई जगह पे एक रिसर्च शेयर कर चुका हूं, और वो ये है कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन हम देखते आ रहे हैं भुट्टो साहब के दौर से या पीछे से, कि शख्सियात को सियाद के ऊपर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें कोई सियासत नहीं हुई कभी भी। नाम तो रोटी कपड़ा मकान का ले लेंगे लेकिन सियासत नहीं। तो व्हाई डोंट वी ट्राई फॉर अथॉरिटेटिव सिस्टम इन द कंट्री? मैं ये समझता हूँ अथॉरिटेटिव सिस्टम को एलैबोरेट करें ना, क्या मतलब है अथॉरिटेटिव सिस्टम क्या हो सकता है? उसके अंदर दो तीन चीजें हैं। मैं सदारती निजाम जो सादे लफ्जों में कहते हैं ना, मैं उसको इस शेप में नहीं चाहता कि अमेरिका की शेप में हो। मैं समझता हूँ हम फ्रांस का मॉडल उठा सकते हैं, हम मौजूदा करंट डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर भी वजीर आजम को ज्यादा पावर्स दे सकते हैं, हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि क्योंकि वोट शख्सियत को पड़ता है, वोट आज भी नवाज शरीफ को पड़ता है, वोट आज भी बेनजीर या उसकी लेगेसी को पड़ता है, वोट आज भी इमरान खान को पड़ता है, वोट आज भी मौलाना फजलुर रहमान को पड़ता है। मेरा जाती ख्याल ये है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर तो डेफिनेटली एक पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। ऑन दी अदर हैंड वहीं पर इकोनॉमिकली हमें बहुत शदीद जरूरत है। मैं इकोनॉमिकली आता हूँ सर आपकी तरफ, लेकिन नातिक साहब जस्ट टू क्लेरिफाई दिस थिंग, ये जो सिस्टम की ओवरहॉलिंग की बात की जा रही है, इज इट द राइट वे नाउ कि सिस्टम उस तरीके से डिलीवर नहीं किया, चलो रिप्लेस इट, कम विद समथिंग न्यू, इज इट द थिंग? यस, देखें अभी एक मैं आई वॉज वेटिंग कि आप मेरे पास आए। बिल्कुल, अभी हम बात कर रहे थे पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी की। बेसिकली इट्स नॉट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हम मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? ये नो कॉन्फिडेंस मूव का आना, एक गवर्नमेंट का उतर जाना, दूसरी गवर्नमेंट का आ जाना, सर ये मेच्योरिटी है सर। मुल्क में आपको डॉलर 3 महीने 50 रुपए महंगा, लेकिन डॉलर तो अभी और महंगा होगा, डॉलर तो और महंगा होगा। ये डॉलर की महंगा होना जो है वो स्टेबिलिटी के साथ साथ और बहुत सारी चीजों से मुतहरिक है। हम पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं, तो ये मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल मेच्योरिटी यही है कि पॉलिटिकल निजाम जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल निजाम है वो पनपे और वो मेच्योर हो, तो वो मेच्योर उसी वक्त होगा जब कौन पनपने देगा? यही मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप, मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम। लीडरशिप पे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले मॉडल लीडर से सिस्टम ड्राइव करेंगे ना, बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम विल मेक द सिस्टम। यही होता रहा है पाकिस्तान में 75 सालों से। बिल्कुल सही, नथिंग न्यू अबाउट दिस। रिजवान साहब इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे आप पहले वो पॉइंट मेरे चुके जवाब उस पे आ रहा है कि आम आदमी और डॉलर की हम बात कर रहे हैं। सॉरी टू कट यू रिजवान साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद आप तफसीली जवाब दे दीजिएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, जरा इसी मौजू के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि सवाल एक आम आदमी का है, सवाल एक आम पाकिस्तानी का। बिकॉज एक आम पाकिस्तानी इस वक्त इस बात से कतई नजर कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो कहता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है। उसका मोटिव बड़ा सिंपल है, यही मोटिव आज हमारा भी है कि काम पाकिस्तानी की जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।